फॉल सेमेस्टर होता है तुम्हारा, उसमें क्लासेस स्टार्ट होती हैं अगस्त में, एंड स्प्रिंग सेमेस्टर जो होता है उसमें क्लासेस स्टार्ट होती हैं तुम्हारी जनवरी में। इन यूएस इफ यू वांट टू कम, तो स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए आपको आना पड़ता है, एप्लीकेशन जो लगानी पड़ती है वो यार 1 सितंबर डेट। पॉइंट्स विच आर वेरी एग्जैक्ट एंड आई थिंक विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आई विल टॉक अबाउट मास्टर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आई विल टॉक अबाउट पीएचडी स्टूडेंट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग सेमेस्टर एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज है वो क्या है। यू हैव टू समर सेमेस्टर, सो समर सेमेस्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मास्टर स्टूडेंट। दोज हु डोंट नो वाई डी फोर्स आता है स्प्रिंग समर सेमेस्टर एंड एक आपके पास आएगा समर 25। बट लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग ओवर हियर, इन समर 24 यू कांट जॉइन इंटर्नशिप। अगर आप फॉल में जाते हो तो वो टाइम नहीं आपको मिलता है, क्योंकि आप जैसे ही गए इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आपको अप्लाई करनी होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे मिस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है जो स्प्रिंग सेमेस्टर में आते हो। यू गॉट फेमिलियर विद द प्रोसेस एंड आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि इस तरीके से इंटर्नशिप लेनी है। यू टॉक टू योर सीनियर्स, तो दिस इज द बिगेस्ट एडमिट फॉर मास्टर स्टूडेंट। उसके अलावा अगर आप स्प्रिंग में आ रहे हो तो वीजा इज ईजी इन इंडिया। अगर आप फॉल में आ रहे हो तो बहुत से लोग आते हैं फॉल में, वीजा के लिए बहुत वेटिंग रहती है। ज्वाइन कर लो, ही स्टार्ट्स पेइंग यू। आपका नेक्स्ट जो उसके बाद सेमेस्टर आता है वो उसमें भी पे करना स्टार्ट कर देते हैं ईयर ग्रेजुएशन। तो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग सेमेस्टर। योर सीनियर्स दे विल टेल यू लाइक ओके ये कोर्स मत लेना बिकॉज दिस इज एडवांस्ड, ये कोर्स ले लो दिस इज ईजी। स्टूडेंट्स इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई इन स्प्रिंग सेमेस्टर, talk to your PDM mentor. So this is for master student number. The next very next spring semester जो start होगा उसमें वो student hire करेगा। There is no difference in PhD admits. कुछ लोगों को लगता है कि fall में have to give qualifying exam। जो spring में आते हैं उनको 1.5 year मिल जाता है because qualifying exam की हर university में date fix होती है। Okay, hi everyone, welcome to Yourpedia again. So this is month of August and today I want to talk about very very important topic which I think according to me is very important and I think information on internet is not sufficient. Since I am in United States right now, so today I want to talk about spring session and fall session, basically both for masters and PhD students. So spring session jo hai yaar, according to me it is very underrated. स्प्रिंग सेशंस आर रियली गुड फॉर मास्टर्स। आई वुड से कि सीट्स थोड़ी कम होती हैं, इट इज़ कंपेरेबल टू विंटर सेशन इन इंडिया। सो दोज़ हु डोंट नो व्हाट इज स्प्रिंग सेशन एंड फॉल सेशन, लेट मी क्लैरिफाई हेयर। तो जो फॉल सेमेस्टर होता है तुम्हारा उसमें क्लासेस स्टार्ट होती हैं अगस्त में, एंड स्प्रिंग सेमेस्टर जो होता है उसमें क्लासेस स्टार्ट होती हैं तुम्हारी जनवरी में। इन यूएस इफ यू वॉन्ट टू कम, तो स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए आपको आना पड़ता है, एप्लीकेशन जो लगानी पड़ती है वो यार 1 सितंबर डेट रहती है इसकी। एंड दिस इज मंथ ऑफ अगस्त एंड आई थिंक नेक्स्ट मंथ फ्रॉम 1 सितंबर और 15 सितंबर समटाइम इट्स अक्टूबर, ये कुछ डेडलाइंस रहती है फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। आई मेक वन सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो बट इन दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट फॉल एंड स्प्रिंग। तो मैनी मैनी स्टूडेंट्स हैव दिस मिथ कि यार फॉल सेमेस्टर बेटर है, स्प्रिंग इज नॉट दैट मच बेटर सेमेस्टर आई वुड से। बट अकॉर्डिंग टू मी व्हेन आई केम टू यूएस आई ऑब्जर्व डिफरेंट थिंग्स। सो आई वॉन्ट टू टेल फ्यू पॉइंट्स विच आर वेरी एग्जैक्ट एंड आई थिंक विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई विल टॉक अबाउट मास्टर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आई विल टॉक अबाउट पीएचडी स्टूडेंट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग सेमेस्टर एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। अकॉर्डिंग टू मी एडवांटेजेस आर मोर, सो लेट्स सी। तो यहाँ पे यार मैंने दो स्लाइड्स बनाई हैं, वन फॉर मास्टर्स एंड अनदर वन फॉर पीएचडी। तो आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो अगर आप यहाँ पे फ्लो चार्ट देख रहे हो, लेट अस से यू जॉइन इन जनवरी 24 इन द स्प्रिंग सेमेस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सबसे जो बड़ी एडवांटेज है वो क्या है, यू हैव टू समर सेमेस्टर्स। तो समर सेमेस्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मास्टर स्टूडेंट। दोज हु डोंट नो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, लेट मी एक्सप्लेन। तो समर सेमेस्टर में क्या होता है कि ये 3 मंथ सेमेस्टर होते हैं, मई जून एंड जुलाई, समटाइम इट इज लाइक जून जुलाई एंड अगस्त, ये 3 मंथ का सेमेस्टर होता है। बट इस 3 मंथ में मास्टर स्टूडेंट व्हाट दे डू इंटर्नशिप्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मास्टर स्टूडेंट। तो यूएस में अगर आपको जॉब चाहिए आफ्टर मास्टर्स, इमीडिएटली आफ्टर मास्टर्स फुल टाइम जॉब इफ यू वॉन्ट टू डू, यू हैव टू डू इंटर्नशिप्स फॉर दैट। ओके, इंटर्नशिप्स जो होती हैं वो इन्हीं 2 सेमेस्टर में हो सकती है। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग एडमिट्स, यू हैव 2 समर सेमेस्टर। तो आप जनवरी 24 में अगर ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक समर 24 आता है स्प्रिंग समर सेमेस्टर एंड एक आपके पास आएगा समर 25। बट लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग ओवर हियर, इन समर 24 यू कांट जॉइन इंटर्नशिप। आई मीन जनरली यू कांट जॉइन, इफ यू आर वेरी एक्टिव यू कैन,
बट जनरली स्टूडेंट्स नॉट ज्वाइन समर 24. देन सर व्हाट इज द एडवांटेज, आप कह रहे हो कि दो समर सेमेस्टर, व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज इज कि आप जैसे ही जनवरी 24 में जाते हो, अब जनवरी से जून तक एक सेमेस्टर कंप्लीट करते हो, तो इन दैट यू विल स्टार्ट मेकिंग कॉन्टेक्ट, यू हैव फ्रेंड्स ओवर देयर, तो उनसे आप बात बात करना स्टार्ट कर देते हो अपने डिपार्टमेंट के लोगों से, एंड यू ऑब्जर्व कि ये कैसे इंटर्नशिप लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप फॉल में जाते हो तो वो टाइम नहीं आपको मिलता, क्योंकि आप जैसे ही गए इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आपको अप्लाई करनी होती है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे मिसेस दिस थिंग इंटर्नशिप्स. तो समर 24 में अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आपको पिछले साल अक्टूबर नवंबर में अप्लाई करनी पड़ती है. सिमिलरली अगर आपको समर 25 में इंटर्नशिप चाहिए, विच इज लाइक जून एंड जुलाई मंथ ऑफ 2025, आपको कब अप्लाई करनी है? आपको करनी है पिछले साल सितंबर 24 से लेके इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर. तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है, जो स्प्रिंग सेमेस्टर में आते हो यू गॉट फेमिलियर विद द प्रोसेस, एंड आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि इस तरीके से इंटर्नशिप लेनी है. यू टॉक टू योर सीनियर्स, तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज. ओके, सेकेंड बिगेस्ट एडवांटेज, आप जनवरी 26 को ग्रेजुएट करते हो, लेट अस से आपकी दो साल की मास्टर्स हैं, तो जॉब स्टार्ट होती है वो जून जुलाई में होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो जनवरी से लेके जून का जो बीच का टाइम है, यू गेट सफिशिएंट टाइम टू अप्लाई फॉर मास्टर्स. इफ यू डोंट हैव पर्टिकुलर स्किल्स, तो आपके पास टाइम रहता है सीखने का. तो फॉल में लोग आते हैं, उनके लिए ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि वो जून में ग्रेजुएट होते हैं, अगर उनके पास जॉब ऑफर नहीं है, दे हैव 3 months in their hand, and it is like a rush. Us time pe bahut zyada rush hota hai, and people will not get sufficient time. So this is biggest advantage of spring admit for master student. Uske alawa agar aap spring mein aa rahe ho to visa is easy in India. Agar aap fall mein aa rahe ho to bahut se log aate hain fall mein, visa ke liye bahut waiting rehti hai. Spring mein kam students aate hain, to visa is easy. आपको पार्ट टाइम जॉब्स इजीली मिलती है जब आप कैंपस में आ जाते हो, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर पार्ट टाइम्स. तो कम स्टूडेंट्स आते हैं, तो इट इज इजी फॉर यू टू गेट पार्ट टाइम जॉब्स एंड मोर टाइम फॉर थीसिस. सो कम स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन थीसिस, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है समर 24, जो फर्स्ट समर होती है आपकी, उसमें आप प्रोफेसर वगैरह से बात करो, कोई लैब ज्वाइन कर लो. सिंस यू आर नॉट डूइंग इंटर्नशिप, किसी प्रोफेसर की लैब ज्वाइन कर लो, ही स्टार्ट्स पेइंग यू. आपका नेक्स्ट जो उसके बाद सेमेस्टर आता है वो उसमें भी पे करना स्टार्ट कर देते हैं आपको. तो दिस इज अगेन वेरी बिग अपॉर्चुनिटी आई वुड से, कि अगर आपको थीसिस करना है तो यहाँ पे आप प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो. तो आपको इस सेमेस्टर में एंड यहाँ पे आपको प्रोफेसर पे करेगा, फिर नेक्स्ट समर में आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हो. इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए साइड फॉर फुल टाइम जॉब आफ्टर योर ग्रेजुएशन. तो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग सेमेस्टर. डिसएडवांटेज भी है, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है. दैट इज व्हाट हैपन कि कई बार आप जनवरी के मंथ में आते हो, एंड कुछ कॉलेजेस का करिकुलम ऐसा होता है कि वो फर्स्ट जो फॉल सेमेस्टर रहता है उसमें बेसिक कोर्स करवाते हैं, देन स्प्रिंग सेमेस्टर में एडवांस कोर्सेज होते हैं. वो छोटा सा डिसएडवांटेज है, बट इफ यू हैव कॉन्टैक्ट्स यू कैन कंसल्ट विद योर सीनियर्स, दे विल टेल यू लाइक ओके ये कोर्स मत लेना बिकॉज दिस इज एडवांस्ड, ये कोर्स ले लो दिस इज ईजी, तो वहां पे बन जाता है. अदर डिसएडवांटेज रहती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, तो शुरू में आपको फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, बट आई थिंक इट इज ओके. एंड सेम थिंग कि ओरिएंटेशन उतनी प्रॉपर नहीं होती है कहीं कॉलेजेस में, जितनी फॉल वालों के लिए होती है, वो दैट इज लाइक वेल प्लान्ड. स्प्रिंग वालों के लिए कई बार छोटी ओरिएंटेशन होती है, तो समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू मेक कॉन्टैक्ट्स और फ्रेंड्स, सो दैट इज स्मॉल डिसएडवांटेजेस. ओवरऑल एडवांटेजेस ज्यादा है, दैट्स वाई आई जनरली टेल कि स्प्रिंग सेशंस आर रियली अंडररेटेड. स्टूडेंट्स इसको सीरियसली नहीं लेते हैं. इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई इन स्प्रिंग सेमेस्टर, टॉक टू योर पीडिया मेंटर. सो दिस इज फॉर मास्टर स्टूडेंट. पीएचडी के लिए और ज्यादा आई थिंक मिथ्स हैं लोगों के अंदर. पीएचडी में फॉल एंड स्प्रिंग दोनों सेम रहते हैं, कोई डिसएडवांटेज नहीं है. कोई ऐसा नहीं है कि फॉल में सीट्स ज्यादा है स्प्रिंग में कम है, क्योंकि पीएचडी एडमिशन इन यूएस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. पीएचडी एडमिशन कैसे मिलती है, तो प्रोफेसर जो हैं वो फंडिंग लेते हैं इंडस्ट्री से. वेन एवर दे गॉट फंडिंग इन द वेरी नेक्स्ट सेमेस्टर दे हायर पीएचडी स्टूडेंट. तो अगर उसको फंडिंग आ रही है प्रोफेसर को इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट स्प्रिंग सेमेस्टर जो स्टार्ट होगा उसमें वो स्टूडेंट हायर करेगा. देयर इज नो डिफरेंस इन पीएचडी एडमिट्स. कुछ लोगों को लगता है कि फॉल में ज्यादा एडमिशन होती हैं पीएचडी वालों की, दैट इज कम्प्लीटली अ मिथ. पीएचडी डजंट वर्क लाइक दैट. यस मास्टर्स वर्क लाइक दैट. मास्टर्स में फॉल में ज्यादा सीट्स होती हैं, दैट इज ट्रू, बट पीएचडी बोथ आर सेम. फॉल एंड स्प्रिंग बोथ आर सेम. अगेन एडवांटेज जो मास्टर स्टूडेंट को होगा वो पीएचडी को भी होगा कि वीजा इजी है. एंड अदर थिंग इज क्वालिफाइंग एग्जाम. तो जनरली क्या होता है, जो फॉल में स्टूडेंट आते हैं उनको एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर दे हैव टू गिव क्वालिफाइंग एग्जाम.
जो स्प्रिंग में आते हैं उनको 1.5 ईयर मिल जाता है, बिकॉज क्वालिफाइंग एग्जाम की हर यूनिवर्सिटी में डेट फिक्स होती है एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू फॉल स्टूडेंट. सो फॉल सेमेस्टर स्टूडेंट में जो फॉल में सेमेस्टर में ज्वाइन करते हैं उनके अकॉर्डिंग होती है. देन स्प्रिंग वालों के लिए एक एडवांटेज हो गया वहाँ पे कि उनको 6 मंथ्स और मिल गए वहाँ पे ना, 1.5 ईयर, दैट इज अ बिग एडवांटेज आई वुड से. अगेन डिसएडवांटेज वही है मास्टर्स वालों की तरफ कि कई बार कुछ एडवांस कोर्सेज होते हैं, बट आई बिलीव इफ यू आर कमिंग टू PhD यू ऑलरेडी डिड दैट कोर्सेज इन मास्टर्स, तो ये बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं रहेगा आपके लिए. सेम फ्रेंड्स बनाने में थोड़ी सी दिक्कत, ओरिएंटेशन उतनी ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं होती है, तो इट विल टेक टाइम बट इट्स नॉट अ मेजर डिसएडवांटेज. ओवरऑल आई वुड से इफ यू आस्क मी whether to go for the spring semester or fall, I will always prefer spring, either for masters and PhD. So that's what I want to share. I think this type of information only those students know who are actually going through these phases. So as I feel after coming to US, so I thought of sharing with you. Thank you very much and be on Yourpedia. If you need any more information, just contact the Yourpedia mentors. Thank you.